दोस्तों, रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था यह तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि रावण ने माता सीता के साथ गलत व्यवहार क्यों नहीं किया? आइए देखते हैं। दोस्तों, रामायण के दृश्य में माता सीता अपने हाथ में एक घास का तिनका लिए हुए दिखाई देती हैं। माता सीता रावण से वार्ता के समय सदैव अपनी दृष्टि इसी तिनके पर टिकाए रखती थी, क्योंकि माता सीता के विवाह के बाद पहली बार ससुराल में यानी अयोध्या में खीर बनाकर सभी के सामने थाली में परोस दिया। तभी राजा दशरथ की थाली में एक तिनका गिर जाता है। तब माता सीता ने तिनके को ध्यान से देखा तो वह भस्म हो गया। यह सब राजा दशरथ ने देख लिया और खाना खाने के पश्चात दशरथ जी ने माता सीता से कहा, आप साक्षात जगत जननी हैं। जिस प्रकार वह तिनका आपके देखने मात्र से भस्म हो गया, वैसे ही आपका शत्रु आपकी दृष्टि मात्र से ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृपा करके कभी भी अपनी दृष्टि शत्रु की ओर केंद्रित नहीं करना। यही कारण था कि माता सीता अपनी दृष्टि हमेशा रावण से वार्ता के समय घास के तिनके पर केंद्रित किया करती थी। यदि माता सीता रावण को गुस्से से देख लिया होता तो वह भी भस्म हो जाता। यही सब कारण से रावण कभी भी माता सीता के साथ गलत व्यवहार भी नहीं किया, क्योंकि रावण को पता था कि माता सीता एक सती स्त्री है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks for watching.